हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी नार्जो 70X 5G में स्विप डाउन टू होम स्क्रीन सेटिंग कैसे करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी फोन के होम स्क्रीन पर स्विप डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सारे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गए। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दूसरी सेटिंग सेट करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से स्विप डाउन टू होम स्क्रीन में दूसरी सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्विप डाउन ऑन होम स्क्रीन का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्विप डाउन टू होम स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन स्विप डाउन टू होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा ग्लोबल सर्च का और सेकंड ऑप्शन नोटिफिकेशन डोर का। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां मैंने स्विप डाउन किया तो यहां पे आप देख रहे हैं मेरा सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैंने स्विप डाउन किया तो मेरा अगेन ही सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन दे रखा हमारा नोटिफिकेशन डोर का। सो फ्रेंड्स, मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। यहां मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां मैंने स्विप डाउन किया तो यहां पे आप देख रहे हैं मेरे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गए। अगेन मैंने स्विप डाउन किया तो मेरे नोटिफिकेशन ओपन आ गए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्विप डाउन टू होम स्क्रीन में इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्विप डाउन टू होम स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हिडन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।